धार जिले के पीथमपुर में कई दिनों से मोबाइल चोरी की घटना आम बात हो गई है। राहगीरों के हाथ से मोबाइल छीनकर भाग जाते हैं मोबाइल चोर। इसी को लेकर सभी पीड़ितों ने एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसका वाचन नीतिशा सांखला ने किया। आपको बता दें कि एक छात्रा अपनी कोचिंग से घर की ओर जा रही थी, इसी बीच सीसी पावर चौराहे पर पीछे से बाइक पर सवार दो लोग आए और कान पर लगे मोबाइल को छीनकर भाग गए। मोबाइल चोरों की बाइक पर वाहन नंबर भी नहीं था। और भी इसी तरीके से कई लोगों के मोबाइल चोरी हो चुके हैं। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। विषय नगर में बढ़ते मोबाइल चोरी व महिला संबंधित अपराधों को रोकने व महिलाओं के संरक्षण बाबत मान्यवर उपरोक्त विषय अनुसार शाम 7 बजे अपनी कंप्यूटर क्लास से घर की ओर लौट रही थी कि जब ही सीसी पावर चौराहे पे समीप दो युवक आए और उन्होंने मुझे थप्पड़ मारकर मुझसे मेरा मोबाइल छीन लिया। इसके पश्चात मैं पीथमपुर क्षेत्र के थाने पहुंची, परंतु वहां कार्रवाई करने के बजाय बिना कार्रवाई किए मुझे घर जाने को कह दिया गया। इससे पहले भी ऐसे ही कई बार व्यक्तियों से मारपीट कर उनका मोबाइल छीन लिया गया। महिलाओं के साथ आए दिन छेड़छाड़ तथा अभद्र व्यवहार किया जाता है एवं इसके साथ ही नगर में नशाखोरी के अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं, परंतु इन सभी घटनाओं के पश्चात भी पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे कि अपराधियों का हौसला और बुलंद हो जाता है तथा नगर में आए दिन ऐसे अपराध बढ़ते जा रहे हैं। अतः आप सभी से निवेदन है कि आप इस समस्याओं तथा इन अपराधों के खिलाफ आवाज़ उठाएं तथा आम जनता को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की कृपा करें। धन्यवाद। के सामने से सुबह 7:45 को छीन लिया, दो गाड़ी से लोग लड़के आए थे और उन्हें पीछे से लात मारी और मोबाइल छीन के निकल लिया। और मैंने थाने पे आया था, थाने पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक 4 महीने हो गए, मोबाइल का कोई पता नहीं अभी मेरे। कौन से कंपनी से ड्यूटी करके वापस रूम पर जा रहा था, तो मॉर्निंग में सुबह 7:30 बजे कटन मोहल्ले के आगे मुस्लिम कब्रिस्तान के पास मेरा मोबाइल छीन कर दो बंदे भग गए और मैंने पुलिस थाने में आकर रिपोर्ट डलवाई और वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगे थे, जिनकी जानकारी मैंने पुलिस थाने में दी, तो इसकी कोई कार्रवाई नहीं की गई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।